बैक आओ बैक आओ, चलो आओ पीछे आओ। सर हम सब जानते हैं कोरोना का बीमारी फैलने से एक साल से ज़्यादा हो गया। पिछली साल इसी टाइम पे हम लॉकडाउन में थे। लॉकडाउन 2 महीने के बाद ग्रेजुअली इसको हटा दिया गया और सितंबर महीने में जो पीक केसेस थे कोरोना के वो कम होते होते फरवरी तक बहुत कम हो गए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं फिर एक बार कोरोना अपना पंजा फैल रहा है, केसेस दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए एक बार हम जो पहले जो किए कोरोना जब पहले आया था उस टाइम पे जो प्रिकॉशंस हम लिए जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, फिर से एक बार हम ज़्यादा सिंसियरिटी से फिर एक बार हम करने की आवश्यकता है। और अभी पिछले साल का और इस साल का फर्क यह है कि अभी हमारे पास वैक्सीन है। वैक्सीन सब लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सब लोग के लिए अवेलेबल है। सभी लोग आपके पास के दवाखाना में जाके वैक्सीन ले, स्पेशली जो 40 साल के उम्र से ऊपर है वैक्सीन ज़रूर ले। उनका बहुत छोटे छोटे साइड इफेक्ट से उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर कोरोना फैलने में रुकावट लगाएगी और जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।